काफी लंबे समय बाद ही सही, मगर अब गया दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेन के शुरू हो जाने से इस रूट के यात्रियों को काफ़ी राहत मिली है और लोग काफ़ी खुश हैं। बंद पड़ी इस सेवा के शुरू हो जाने से औरंगाबाद के लोगों को गया या फिर वाराणसी की तरफ आने जाने में अब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। ट्रेनों के बंद हो जाने से जहां लोगों को यातायात को लेकर परेशानी बढ़ गई थी, वहीं इन रेलवे स्टेशनों पर भी वीरानगी सी छा गई थी। मगर अब जाकर इस पैसेंजर ट्रेन के शुरू हो जाने से इन स्टेशनों पर लोगों की चहल पहल देखने को मिल रही है। ठीक है भैया, ट्रेन चले से न बंद हो से तो बहुत दुख था, अब ट्रेन चले से बहुत आराम था। तो कन्हू जाने आने के बहुत दिक्कत था, से जगह मौका पर बस नहीं मिलता था, टाइम पर टेम्पो नहीं मिलना था, भाड़ा भी ज़्यादा लगना था, हमको पहुंच नहीं पाए हैं। अब हम क्या कहें, बहुत दिक्कत है। ट्रेन कम से कम 3 बजे वाला है, भी चला दीजिए। ट्रेन चालू हो गया तो काम धंधा चालू भी हो गया, अभी चल दिक्कत हो रहा था, आने जाने में भी परेशानी था, कहीं रिलेशन में जाना तो दिक्कत था, बस टेम्पो ऑटो से दिक्कत हो रहा था, जाना था कुछ 10 में काम होता, 10 रुपये में काम होता तो यहाँ 50 रुपये भाड़ा लग रहा था, 100 रुपये लग रहा था। इस चलते खूब खुश हैं, अच्छा हुआ या आने जाने में अब सुविधा हो गया। एक दो और ट्रेन खोज रहा है, चलते दिक्कत हो रहा है, लौटने में दिक्कत हो रहा है, चलते चाहिए खादो ट्रेन। अब अच्छा इस ट्रेन चलने से खुश हैं, आम जनता सब खुश है।